केमिस्ट्री क्लास 12 और न्यूमेरिकल्स में आज हम लोग आरएनएस समीकरण पर आधारित आंतरिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। थ्योरी में मैं समीकरण पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी वाले क्लास आप लोग देख लीजिएगा। वहां पर आपको याद आ रहा होगा एक फार्मूला पढ़ा गया था क्या कि लॉग के टू अपॉन के वन बराबर ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन बटा टी वन टी टू, इसका डेरिवेशन दिया गया। वहां आपको बताया ये गया, ये सिद्ध किया था मैंने कि किसी अभिक्रिया का वेग सीधे सीधे उसके वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है, मतलब के पर डिपेंड करता है वेग स्थिरांक पर। अगर के का मान डबल होगा, के का मान बढ़ेगा, वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, वेग स्थिरांक का मान घटेगा तो अभिक्रिया का वेग घटेगा, मतलब के की वैल्यू बढ़ेगी वेग बढ़ेगा, के की वैल्यू घटेगी वेग घटेगा। अब ये अभिक्रिया कब लागू होती है, दो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम अभिक्रिया को स्टडी कर रहे हैं। मान लिया पहले मैंने जिस ताप पर अभिक्रिया को अध्ययन किया वो T1 है, फिर उस ताप को घटा दिया अथवा बढ़ा दिया, किसी भिन्न ताप पर मैंने अभिक्रिया का अध्ययन किया वो T2 है। तो दो अलग अलग तापों पर अभिक्रिया का अध्ययन किया गया, पहले वाला ताप T1 और बाद वाला ताप T2। T1 जिस समय ताप T1 था उस समय अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक रहा होगा उसे कैसे डिनोट करेंगे हम, K1 से। फिर ताप को T1 से मैंने चेंज करके T2 कर दिया, तो ताप T2 पर जो वेग स्थिरांक होगा उसे कैसे डिनोट करेंगे, K2 से। तो T1 पहला ताप, K1 पहला वेग स्थिरांक, T2 दूसरा ताप, K2 दूसरा वेग स्थिरांक, मतलब पहले T1 ताप पर वेग स्थिरांक की वैल्यू K1 है और T2 ताप पर वेग स्थिरांक की वैल्यू K2 है। ये क्लियर हो गया समय। R कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। देखो इस वाले सवाल में सवाल के साथ दे रखी है, इसमें नहीं दे रखी है, तो कोई कंपलसरी नहीं है वैल्यू आपको दे रखी होगी। आप कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। कैलोरी वैल्यू अलग की बात है, फिलहाल यहाँ जूल पर केल्विन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कैलोरी में वैल्यू इसकी वैसे 1.987 होती है, यहाँ जूल में लग रहा है, ठीक है, जूल का मतलब समझ हार हो गया। ये है सक्रियण ऊर्जा जूल पर मोल, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो कि थ्योरी में हमने पढ़ा है। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें, ये भी 2018 में आया हुआ है, ये भी 2018 में आया हुआ है, इसका आंसर मैंने यहां लिख दिया है, इसका आंसर मैंने यहां लिख दिया है। एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन किया। तो यार देखो क्या मतलब है कि जो पहले ताप कितना था 290 केल्विन था और बाद में ताप कितना हो गया 300 केल्विन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो पहले वाला ताप है वो T1 है, जो बाद वाला ताप है वो T2 है। अब क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है, मतलब दर जो पहले थी वो कैसे होगी, दोगुनी होगी। दर अगर एक थी तो दो होगी, दर अगर पहले एक थी तो दर दो होगी। अब दर दोगुनी हो रही है इसका मतलब वेग स्थिरांक भी दोगुना हो रहा है, मतलब वेग स्थिरांक की जो भी वैल्यू यहां पर रखी होगी तो यहां पर क्या हो जाएगी 2k। मेरी बात समझिए, ये कह रहा है कि अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। दर दोगुनी कब होगी, जब दर स्थिरांक दोगुना होगा। दर स्थिरांक दोगुना का मतलब पहले अगर वेग स्थिरांक k है तो बाद में क्या k2 हो गया, तो वेग स्थिरांक की वैल्यू तो दी नहीं है, बस ये कह रहा है कि दोगुनी हो जाती है। मान लेते हैं कि पहले वाले ताप पर वेग स्थिरांक क्या होगा k1, T1 ताप पर वेग स्थिरांक k1 कहलाएगा, T2 ताप पर वेग स्थिरांक k2 कहलाएगा। अगर पहले इसकी वैल्यू के रही होगी तो कितनी हो गई 2k, दोगुनी हो गई। समझ में आ गई बात, T1 ताप पर वेग स्थिरांक k1 है, T2 ताप पर वेग स्थिरांक k2 है। अगर पहले वेग की माना है, ठीक है ना, सपोज यानी दो माना कैसे डिनोट करते हैं, तो पहले अगर वेग स्थिरांक की वैल्यू k है तो अब दोगुनी हो जानी है, मतलब 2k हो जानी है। ये यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा मतलब ईए का मान आपको ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, सर डायरेक्ट सूत्र लगाना है कि आप ये भी वो बात कर रहे हो, ऑब्वियस है ना, ये मेरा लिखने की आदत नहीं है, थोड़ा गंदी आदत है। K2 बटा K1 बराबर क्या आ जाएगा इधर, EA अपॉन 2.303 R, यहां पर आ जाएगा क्या T2 माइनस T1 बटा T1 T2 दिया। अब आपको EA की वैल्यू निकालनी है तो फार्मूले को थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, पक्षांतर कर लो ना, इसे इधर इसे इधर, तो EA अपॉन 2.303 R, यहाँ पे क्या आ गया T2 माइनस T1 बटा T1 T2, पक्षांतर कर दिया मैंने ना, log K2 बटा K1। अब EA तो मुझे चाहिए, तो EA को तो मैं यहीं छोड़ देता हूँ, अब EA मुझे नहीं चाहिए तो इसे मैं इधर ले जा रहा हूँ,
जो बटा में है कहां जाएगा, गुणा में जाएगा, ऊपर ऊपर आएगा 2.303 r, ठीक है, ये ऊपर पहुंच गया। अब ये वाली चीज जितनी ऊपर पहुंच गई, अब इसे तरह ले जाएंगे तो ये भी पलट जाएगी, नीचे वाला मामला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब जो अंश में है वो हर में है वो अंश में, तो इसे इधर कैसे लिखा जाएगा, t1 t2 बटा t2 माइनस t1। तो इसे भी मैंने इधर पहुंचा दिया, इसे भी मैंने इधर पहुंचा दिया, और यहाँ पहले से क्या मौजूद है, log k2 बटा k1। अब दोस्त कुछ नहीं करना, 2.303 एक नंबर है, r कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सवाल में इत्तेफाक से दे रखी है 8.314, ठीक है। T1 पहले वाला टेम्परेचर कितना, 290 है, T2 दूसरा टेम्परेचर कितना, 300 बटा T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी, 300, ठीक है, माइनस T1 की वैल्यू कितनी, 290। लॉग K2 की वैल्यू कितनी, K2 कितना था भैया, देखो 2K, और K1 की वैल्यू कितनी थी, K, समझ गए कैसे, के कैंसिल, क्या बचा, लॉग 2 बचा, तो 2.303 इंटू 8.314 आया, ब्रैकेट में ये 290 गुणा 300 ही रहने देता हूं, 300 में से 290 घटाया 10 बचेगा, यहाँ log 2 बचा, log 2 की वैल्यू भी देखो यहाँ सवाल में दे रखी है, इत्तेफाक है, जरूरी नहीं है log 10 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, मैंने आपको पहले नोट कराएंगे, ये आपको लर्न ही होनी चाहिए। तो कितने लगा दोगे, 0.301, बाकी आप लोग समझदार हो पूरी, ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसका आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कैलकुलेशन गुणा कर भाग करनी है आपको, गुणा करके आपको इसका आंसर मिलेगा 50 140.62 जूल पर। कैलकुलेट करके मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा इसका आंसर सही आया या नहीं आया। तो दिस क्वेश्चन इज डन। सेकंड में थोड़ा मैं हिंट दूंगा बस, क्योंकि ये सवाल आपको खुद करना है, वैसा सेम सवाल है, मैं हल्की सी हिंट आपको देता हूँ, इसे आप खुद कर लेंगे, ठीक है, बल्कि कल खुद ही करो इस सवाल को, है ना, खुद जब तक न्यूमेरिकल आप खुद नहीं करोगे मैं सारे कराता रहूंगा, देखने से बोरियत भी होगी, आप सीख भी नहीं पाओगे, मैं इसमें आपको हिंट देता हूँ बस खाली कि तापक्रम 200, दूसरा सवाल देख लो, सेम क्वेश्चन है आपको करना है, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर भी लगभग सेम है, और सेम ही है, 2018 में आया था, एक सेट में आया था और एक सेट में आया था, अब जानते हो ना 7 सेट बनते हैं बोर्ड एग्जाम के पेपर के, अलग अलग जिलों में अलग अलग सेट जाते हैं, तो ऐसे मत सोच लेना कि 2018 में दोनों कैसे आ गए, तो एक जिले में यहाँ आया हुआ, एक जिले में यहाँ आया हुआ। तो 293 केल्विन से 393 केल्विन तक ताप परिवर्तन करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। अब समझो मेरी बात को, पहले वाला ताप T1 कितना हो गया, 293 केल्विन, दूसरा वाला ताप T2 कितना हो गया, 313 केल्विन, T1 T2 की वैल्यू हो गई, अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है, दर 4 गुनी हो जाती है मतलब वेग स्थिरांक भी 4 गुना हो जाता है, जब पहले वेग स्थिरांक k होगा तो बाद वाला क्या हो जाएगा, 4k। देखो भाई, पहले ताप 293 केल्विन, बाद में ताप 313 केल्विन, अगर पहले की दर स्थिरांक k1 तो मैं क्या मान लूं, k1, तो दर 4 गुनी हो रही है, तो k2 का मान क्या आ जाएगा, 4k आ जाएगा, आगे भैया, और सकिरण ऊर्जा Ta का मान आपको निकालना है, क्या कहा जा रहा है, यह मानते हुए कि ताप परिवर्तन पर सकिरण ऊर्जा का मान परिवर्तित नहीं होता है, एडिशनल सेंटेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया गया है, श्रीमान जी ताप परिवर्तन पर सकिरण ऊर्जा का मान तो वैसे भी परिवर्तित नहीं होता है, तो इस सेंटेंस से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर है, कन्वर्ट करके मुझे बताइएगा कि आपका आंसर आता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।